नाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैव गुर परसाद जपवाद सच युगाद सच है भी सच नानक हो सी भी सच जपवाद सच युगाद सच है भी सच नानक हो सी भी सच शिवजी सदा सा ओम नमः शिवा गुरुजी सदा सा ओम नमः शिवा शिवजी सदा सा ओम नमः शिवा गुरुजी सदा सा ओम नमः शिवा शिवजी सदा सा ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय कभी बाज बेनती जो भई बादशाही दसनी हमरी करो हाथ दे रक्षा पूरन हुए चित की इच्छा हमरे दुष्ट सब तुम खाओ आप हाथ दे मोहे बचाओ मोर अच्छा निज कर दे करिए सब बैरन को आय संगरिए तुम्हें चाड कोई
अवर न त्याऊं जो बर चाहूं सुकुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे भाई है चुन चुन सदर हमारे आप हाथ दे मुझे उबरिए मरन काल का त्रास भरिए सदा हमारी बच्चा श्री अस्तुजो कर राख ले हो मोहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे काल का ये ब्रह्मा बपतरा काल का ये शिवजु अवतरा जमन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा दूतियो जमन काल सब जगत बनायो देव जात गच्छन उपजायो नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी शिव तन को शिव तुम सुख दियो सतन को पल मोह कट कट के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पहचानत संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी जब उद करक करा कर तारा पर जा कर तब दे अपारा जेते बदन सृष्ट सब धार है आप अपनी भूल उचार है सब ही तेरे आलम जानत भेद के मेरे आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंग ताका भूल उचार तुझे दाजा को देवन पाव तुझे दाजा ताको कर कान अनुमान तुम्हां मूर कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा सिर निरंकार का जीन अपनी बुद्ध है जेती वर्ण तेन तेन तुह देती तुमरा लखा न जाए पसारा के मन सजा तुम संसारा एक रूप अनूप स्वरूप रंग पयो राम कई रूपा अंगद तेरज से तज की मीन तुझ खान बोल रज दीनी कहूं फूल राजा है बैठा कहूं सिमट पे संकर कहता सगरी सिस्ट दिखाए आपे हर एक रंग है आपे बहुरंगी जो तिस पावे नानका साई गल चंगी जो तिस पावे नानका साई गल चंगी आपे हर एक रंग है आपे बहुरंगी जो तिस पावे नानका साई गल चंगी जो तिस पावे नानका साई गल चंगी जो तिस पावे नानका जो तिस पावे नानका जो तिस पावे नानका
ज्योतिष पावे नानका, ज्योतिष पावे नानका, ज्योतिष पावे नानका। साई गल चंगी, साई गल चंगी, आपे हर एक रंग है, आपे बहुरंगी, ज्योतिष पावे नानका। साई गल चंगी, ज्योतिष पावे नानका, साई गल चंगी। सतगुर दाता ओ गुरवी तो सतवारिया, जिन दितड़ा नाओ, जिन दितड़ा नाओ, आपे हर एक रंग है, आपे बहुरंगी, ज्योतिष पावे नानका। साई गल चंगी, ज्योतिष पावे नानका, साई गल चंगी, ज्योतिष पावे नानका, 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 ज्योतिष पावे नानका। साई गल चंगी, साई गल चंगी, आपे हर एक रंग है, आपे बहुरंगी, ज्योतिष पावे नानका। साई गल चंगी, ज्योतिष पावे नानका, साई गल चंगी। सो तन गुरु शाबाश है हर दे सनेहा, गुरु विकसिया, गुर सत गुर देहा, गुर सत गुर देहा, आपे हर एक रंग है, आपे बहुरंगी, ज्योतिष पावे नानका। साई गल चंगी, ज्योतिष पावे नानका, साई गल चंगी, ज्योतिष पावे नानका, 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 ज्योतिष पावे नानका। साई गल चंगी, साई गल चंगी, आपे हर एक रंग है, आपे बहुरंगी, ज्योतिष पावे नानका। साई गल चंगी, ज्योतिष पावे नानका, साई गल चंगी। क्या मोह शंदा,
ਸੋਤ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹਸ਼ੰਦਾ ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹਸ਼ੰਦਾ लख चौरासी मेदनी सब सेव करंदा की वैरी मित्र सब कीतियां ने मंगे मंदा की वैरी मित्र सब कीतियां ने मंगे मंदा जा तू मेरे वल है ता क्या मोहशंदा जात मेरे वल है ता क्या मोहशंदा ਅਨੰਦ ਪਿਆ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦਾ ਸਭੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਿਐ ਜਾ ਤੁਧ ਪਾਵੰਦਾ ਸਭੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਿਐ ਜਾ ਤੁਧ ਪਾਵੰਦਾ ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹਸ਼ੰਦਾ ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹਸ਼ੰਦਾ ਲੱਖ ਚੁਰਾਸੀ ਮੇਦਨੀ ਸਭ ਸੇਵ ਕਰੰਦਾ ਕੀ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਸਭ ਕੀਤਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗੇ ਮੰਦਾ ਕੀ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਸਭ ਕੀਤਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗੇ ਮੰਦਾ ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹਸ਼ੰਦਾ ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹਸ਼ੰਦਾ ਤਰ ਜੀਰੇ ਇੱਕ ਟੇਕ ਤੂੰ ਲਾਗੇ ਬਡਾਨੀਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਈਏ ਤਜੋ ਸਿਆਨਪ ਸੁਰਜਨੋ ਸਿਮਰੋ ਹਰ ਹਰ ਰਾਇ ਇੱਕ ਆਸ ਵਰ ਮਨ ਰੱਖੋ ਨਾਨਕ ਦੁੱਖ ਪਰਮ ਹੋ ਜਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹਸ਼ੰਦਾ ਖੁਦ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ
होए ते सुनो मार ना साके सोए साहिब की सेवक रहे शरणाई आपे बख्शे देव दयाई ते ऊपर नाही को कौन डरे डर किसका होए जात मेरे वल Oh,
प्यार से बोलिए धन गुरुनाथ, धन गुरुनाथ। एक महापुरुष संगत में बैठकर प्रवचन कर रहे हैं। ये जो दास बात बताने जा रहे हैं ना साथियों, आज की बात को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जिसकी समझ में ये बात आ गई आज, जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। एक महापुरुष प्रवचन कर रहे हैं संगत में बैठकर। शोर सुनाई दिया, एक सेठ जो सेवादार है संगत के, उनसे झगड़ा करता है कि मुझे आगे बैठना है। प्यार से बोलिए धन गुरुनाथ, धन गुरुनाथ। और सेवादारों से लड़ झगड़ कर जबरदस्ती आगे आकर बैठ गया संगत में। महापुरुषों ने उसकी तरफ देखा, फिर अपने प्रवचनों में लग गए। जब समाप्ति हुई तो सेठ हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, कहने लगा, मैंने सुना है धन गुरुनानक, कहने लगा मैंने सुना है कि जो संत महापुरुष होते हैं उन्हें अपने हृदय में भगवान के दर्शन होते हैं। महापुरुष मुस्कुराकर कहने लगे, हां होते हैं। कोई पूर्ण संत हो, महापुरुष हो, उसे अपने भीतर ही गुरु नानक के दर्शन होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेठ कहने लगा, हमें बताओ, रास्ता बताओ कि हमें अपने भीतर अपने हृदय में गुरु नानक के भगवान के दर्शन कैसे हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिन महापुरुषों के पास ये सेठ बैठा था वो पूर्ण महापुरुष थे, अंतर्यामी। महापुरुष मुस्कुराकर कहने लगे, सेठ जी आप कहते हो कि भीतर में हृदय में गुरु नानक के दर्शन हो जाए, इसके लिए तो तन मन धन अपना वारना पड़ता है, अपना सब कुछ गुरु को सौंपना पड़ता है। तुमने तो अपने जीवन में भगवान को एक रुपए का भी दर्जा नहीं दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अपने जीवन में एक रुपए का दर्जा भी भगवान को नहीं दिया, एक रुपए का। सेठ हैरान हुआ, कहने लगा, बात समझ में नहीं आई। महापुरुषों ने दूसरा सवाल किया, सेठ जी आपकी जायदाद कितनी है? पुराने जमाने की बात है, कहने लगा, 10,000 की जायदाद है मेरी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। 10,000 की जायदाद। महापुरुष मुस्कुराकर कहने लगे, और 10,000 की जायदाद होते हुए एक रुपए के लिए इतना समय व्यर्थ गंवाना क्या तुम्हें शोभा देता है? घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सेठ कहने लगा, अभी तक मुझे आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही। तो महापुरुषों ने खुलकर समझाया, कहने लगे, अभी अभी तुम कहां से आ रहे? एक जौहरी की दुकान पर गहने बनवाने गए थे? सेठ कहने लगा, हाँ गया था। वहां तुम्हारी जेब में से एक रुपए का सिक्का नाली में गिर गया था।
वो नाली जिसमें सारे शहर का मल मूत्र जाता है, गंदी नाली है। एक रुपए का सिक्का अंदर गिरा, तुमने जरा भी नहीं सोचा कि दुनिया क्या कहेगी। तुम चार घड़ियां उस नाली में हाथ डालकर वो सिक्का ढूंढते रहे। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। चार घड़ियां जीवन की तूने व्यर्थ की, गवा दी। तू नाली में हाथ डालकर सिक्का ढूंढता रहा चार घड़ियां, और चार घड़ियों में तुझे ये भी ध्यान नहीं आया कि तू सेठ है, ऊंची जात का है। तुझे गुमान है तेरी ऊंची जात का, तुझे गुमान है अपने धन का, सब भूल गया तू कि लोग क्या कहेंगे, लोक लाज भी भूल गया। बस एक रुपए में ध्यान है कि हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और चार घड़ियां लगाकर ढूंढ के तूने आखिर में वह एक रुपया ढूंढ निकाला। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तेरा मन इतना एकाग्र था उस एक रुपया ढूंढने में, तूने ये भी नहीं सोचा लोग तुझ पे हंस रहे हैं देखकर कि इतना बड़ा सेठ गटर में हाथ डालकर, नाली में हाथ डालकर एक रुपया ढूंढ रहा है। सेठ सोच में पड़ गया, कहने लगा हाँ बात तो सही है, पर उस बात का इस बात से क्या लेना है। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मैं कह रहा हूँ कि मेरे भीतर गुरु नानक के दर्शन हो जाए। आप कहते हो कि तूने एक रुपया ढूंढने के लिए चार घड़ियां गवा ली। ध्यान देना साथ संगत जी, महापुरुषों ने जो ये बात समझाई, कहने लगे सेठ जी ध्यान से समझो, हमने तुमसे कहा कि तुमने अपने जीवन में भगवान को एक रुपए का दर्जा भी नहीं दिया। जितने एकाग्रता से तुम एक रुपया ढूंढ रहे थे चार घड़ियों तक, कभी चार घड़ियां संतों की संगत उतने एकाग्रता से कर लो, चार घड़ियां केवल, तो तुम्हें अपने भीतर दर्शन हो जाएंगे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। एक रुपए का सिक्का ढूंढने के लिए तुम अपनी जात भूल गए, तुम ये भी भूल गए कि तुम सेठ हो। संगत में आके झगड़ा कर रहे हो आगे बैठने क्योंकि मैं सेठ हूँ। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यहाँ पर आके तुम्हें अपनी धन याद है, यहाँ पर आके तुम्हें अपना कुल याद है, जाति याद है कि मैं बड़ा हूँ, सेठ हूँ, आगे आकर बैठूंगा। वहां भूल गए एक रुपए के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिस दिन यहां पर आकर अपने आप को भूल गए, किस दिन यहां पर आकर अपने आप को भूल गए, मुझे तो यहां पर महापुरुषों के वचन याद आ गए। सत्संग जी दास बार बार कहता है, खन्ने वाले महापुरुष वचन किया करते थे, कोई एक बार सत्संगत कर ले ध्यान से, सत्संगत एक बार कर ले दूसरी बार करने की जरूरत ही नहीं है। यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सेठ को समझा रहे हैं महापुरुष कि चार घड़ियां तूने एक रुपए ढूंढने में इतना एकाग्रचित हो गया तू कि तू सब भूल गया कि लोग तुझे देखकर हंस रहे हैं। सत्संगत में एक बार ऐसे चार घड़ियां बितानी है। यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ध्यान देना साथ संगत जी, हम भी सत्संगत में आते हैं, चार घड़ियां माने तो कहती है एक छिन जय एक चित ध्यायो, काल फांस के बीच ना आयो। एक सेकंड किसी का ध्यान पूर्ण तौर से लग गया, एक चित जय एक छिन ध्यायो, एक चित, वो जन्म मरण में नहीं आएगा। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आज तक हमारे जीवन में वो एक क्षण भी नहीं आया है, एक क्षण। जितना ध्यान हम अपने धंधे में देते हैं, जितना ध्यान हम पैसा कमाने में या जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट है देते हैं, महापुरुषों के वचन कि अगर चार घड़ियां सत्संग एक दिन अमृत वेला पूरे ध्यान से हो जाए बात बन जाएगी। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। शब्द पढ़ रहे हैं कब गल लावेंगे, हाँ तुमरी करो नित आस प्रभ मोहे, कब गल लावेंगे। जब ये बेनती करे ना कि कब गल लावेंगे, तो मन में एक भावना बनाओ सत्संग कि गुरु नानक के आगे तरला करो, बेनती करो, अच्छा मेरे जीवन में वो घड़ी कब आएगी कि जब मैं यहाँ बैठा होऊंगा पर अपने आप को भूल चुका होऊंगा। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बात को थोड़ा गहराई से समझना साथी,
अपने आप को भूलना उसका मतलब उसे पाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम भूलते हैं अपने आप को पर दुनिया के लिए, जिस दिन गुरु के लिए भूल गए फर्क होता है। बाबा खेम सिंह जी पूरन महापुरुष, छोटी उम्र है पाठ कर रहे हैं, अखंड पाठ से संगत बैठकर पाठ सुन रही है, पाठ का भोग डाल रहे हैं महापुरुष, पर हर अक्षर में गलती कर रहे हैं, हर अक्षर में गलती कर रहे हैं। संगत पहुंच गई बाबा नंद सिंह जी के पास कि कैसा पाठ भी बिठाया है आपने, एक पंक्ति भी शुद्ध नहीं पढ़ रहा, गलती पे गलती कर रहा है, आपने ऐसा पाठी बिठाया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नानक सर के पाठियों का तो नाम है कि शुद्ध पाठ करते हैं, मन जोड़कर पाठ करते हैं, पर ये हर पंक्ति पर गलती कर रहे हैं। बाबा नंद सिंह जी ने मुस्कुराकर बाबा खेम सिंह जी को अपने पास बुला लिया। छोटी उम्र, ध्यान देना साथ से जी, आज की बात को बहुत ध्यान से समझना, और इस जो ये कथा चल रही है ना, इसे बार बार रिकॉर्डिंग जो नीचे आप लेते हैं इसको आज बार बार सुनना, इसमें बहुत कुछ है। बाबा खेम सिंह जी को बुला लिया बाबा नंद सिंह जी ने, कहने लगे भाई ये संगत तेरी शिकायत लेकर आई है, छोटी उम्र है। रोने लग गए जोर जोर से। घर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे नहीं, खुलकर बताता कि संगत का भी, संगत को भी ज्ञान हो। चुप रहे बाबा खेम सिंह जी। बाबा नंद सिंह जी कह लेंगे हमारा वचन मान, सच बता क्यों तू वाणी शुद्ध नहीं पढ़ पा रहा था। कहने लगे मैं क्या करूं, जैसे ही पंक्तियों की तरफ देखता था मुझे एक एक अक्षर गुरु नानक दिखाई देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मैं वाणी पढ़ने ही भूल जाता हूँ, दर्शन ही करता रह जाता हूँ, गलतियों पे गलती हो रही, मैं क्या करूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये होता है अपने आप को भूलना। भाई चतर सिंह जी, भाई साहब भाई चतर सिंह जी कहते थे, मुझे कई बार कहते मैं बड़ी ध्यान से प्रमाण दे देकर कीर्तन करता था, लोग वाह वाह करते। भाई चतर सिंह जी जिन्होंने दास को भी थोड़ा कीर्तन सिखाया, वो इतने प्रमाणों के साथ कीर्तन करते थे कि दो दो तीन तीन घंटे एक शब्द पे प्रमाण पूरे के पूरे शब्दों का देते थे और भोग नहीं डालते थे तीन तीन घंटे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी बाणी कंठ थी, पर कहते मैं उस दिन के लिए तरस रहा हूं। मुझे कहते थे कि जिस दिन मैं ये भूल जाऊंगा और मुझसे गलतियां हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाव समझो, एक होता है कीर्तन करना, एक होता है कीर्तन होना। जिस दिन हो गया एक बार भी हो जाए बात बन जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपने आप को भूल जाए, अपने मन वृत्तियों को विचारो। जब हम माथा टेकते हैं गुरु को, क्या हमारा ध्यान ये होता है कि गुरु नानक हमारे सिर पे अपना हाथ रख रहा है, कि हमारा ध्यान ये होता है कि संगत हमको देख रही है। यहीं से समझ में आ जाए कि हम कहाँ पर खड़े हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपने आप को भूलना उसे पाना है। और एक बार ऐसा सत्संग हो जाए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक बार जब ये पंक्तियां कहे ना कब गले लावेंगे, तो ये भावना बनाओ हे गुरु नानक मेरे हिस्से में वो दिन वो घड़ी वो पल कब आएगा जब मैं सब कुछ भूल कर तुझे पुकारूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भगत रविदास जी, भगत नामदेव जी, भगत त्रिलोचन जी, सारे भक्तों का जीवन पढ़ लो, जितने भगत संसार में हो, राम राम का सिमरन करते हैं, अल्लाह अल्लाह का सिमरन करते हैं, पर प्राप्ति उस दिन हुई जिस दिन बैठे और समा भूल गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। प्राप्ति उस दिन हुई
लगे रहे सारा सारा जीवन, कोई 12 साल, कोई 14 साल, कोई 40 साल, पर प्राप्ति केवल उस दिन जाकर हुई जब बैठे तो सही पर फिर उठे नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। देहो दरस सुख दातिया,
कब गल लावेंगे हे वाहिगुरु। मेरे जीवन में वो दिन, वो घड़ी, वो पल कब आएगा कि जब मैं बैठा होऊंगा सत्संगत में, शरीर बैठा होगा सत्संगत में, पर मन होगा गुरु नानक के चरणों में। सारी बात सत्संगत जी मन की है। इस घर में, सत्संग में, सारी बात मन की है, अंदर की है, बाहर की नहीं। कई लोग सेवा करते हैं, दान करते हैं, नाम जपते हैं, पर जीवन में बदलाव नहीं आता। उसके पीछे कारण एक ही है, हमारा मन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमारी सोच, हमारी नियत क्या है, गुरु ये देखता है। सारी बात नियत पर आकर रुकती है, नियत। ऑपरेशन टेबल पर डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा हो,
उसके हाथों से कोई मर जाए, रिश्तेदार केस कर दे, जज सजा नहीं देता डॉक्टर को, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्यों नहीं देता? क्योंकि डॉक्टर की नियत मारने की नहीं थी, उसकी नियत बचाने की थी, पर गलती से मर गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अभी डाकू किसी पे गोली चलाए पर वो बच जाए, पर जज सजा देगा डाकू को, चाहे वो बच गया पर उसकी नियत मारने की थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम सत्संग में बैठे हैं, दुनिया को बेवकूफ बना लेंगे आंखें बंद करके, गुरु को नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमारी जीवन में फल हमारी नियत से मिलेगा, हम किस नियत से बैठे हैं। अब यहाँ पे कोई बैठा हो और ध्यान हो कि मुझे किसी का बटुआ मारना है, 2 घंटे बैठा हो और मन में ख्याल हो किसी का मोबाइल उठाना है, उसकी नियत क्या है? क्या उसे सत्संग का फल मिलेगा? नहीं, क्योंकि उसकी नियत नहीं है। चाहे यहाँ बैठा है, यहाँ पर गुरु को पाने के सिवा कोई दूसरी नियत से कोई भी बैठा है, चाहे कई तरह की नियत होती है, बुरी अच्छी, कोई फल नहीं, उल्टा पाप है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो दिखाई पुण्य दे रहा है पर फल पाप मिलेगा। यहाँ पर आते हो तो नियत साफ, क्योंकि यहाँ पर गुरु नानक देख रहा है, हम नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तेरी सूरत जो मन में बसी है, गुरुजी वास्ते। तेरी सूरत जो मन में बसी है, क्या करूंगा मैं मंदिर शिवाले। तेरी सूरत जो मन में बसी है, क्या करूंगा मैं मंदिर शिवाले। तेरी सूरत जो मन में बसी है, तेरी सूरत जो मन में बसी है, क्या करूंगा मैं मंदिर शिवाले। तेरी सूरत जो मन में बसी तो तूने बैठ गई
ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੇ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤਿਆਰ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੈ ਅਮਰ ਦਾ ਦਾਸੇ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾ ਸਿਮਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤਿਆਈਐ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਜੀ ਸਹਾਏ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸੌਗਾਤ ਮਿਲੇ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਨਮ ਹਮਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਦੂਰੀ ਦਿਆਰਾ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਨਮ ਹਮਾਰਾ ਸਭ ਛੱਡ ਕੇ ਜਗਤ ਪਸਾਰਾ ਬਸ ਮਿਲ ਜਾ ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਂ ਜੀਓ ਖਾਲ ਸਾਰੇ ਜਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਸਭ ਨੱਚ ਰਹੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਾਲ ਸਾਰੇ ਜਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਗੂੰਜੇ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਅੰਬਰੀ ਜਕਾਰਾ ਭੀੜਾ ਕੌਮ ਤੈਨੂੰ ਪੈਣ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਂ ਜੀਓ ਗਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਓੜ ਪੂਰੀ ਮਿਲੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਵੇ ਸਦਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਓੜ ਪੂਰੀ ਮਿਲੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਮੁੱਕ ਜਾ ਚੁਰਾਸੀ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਂ ਜੀਓ ਹਰਿਦਾਸ ਕਰਾਂ ਹਰਿਦਾਸ
शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना तेरी रहमतों का कैसे तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना बुलाने का शुक्राना दर पे बिठाने का शुक्राना तेरे दर का है शुक्राना मेरे झुके सर का है शुक्राना हंसना सिखाने का शुक्राना राह दिखाने का शुक्राना अपना बनाने का शुक्राना जीना सिखाने का शुक्राना हाथ पकड़ कर मंजिल पर हाथ पकड़ कर मंजिल पर पहुंचाने का शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय शिवजी सदा Oh.
गुरु जी सदा जय गुरु जी की। ओ